में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। आगरा पारस अस्पताल के आगरा के पारस अस्पताल के वायरल वीडियो में हुए ऑक्सीजन कांड के बाद अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है, अस्पताल को सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं नवेद खान। दिन है 8 जून 2021। आगरा के पारस अस्पताल को शासन सील करने के आदेश दे चुका है। अस्पताल को सील करने से पहले मरीजों को पारस अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा पारस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है और आरोपों के मुताबिक अप्रैल महीने में ऑक्सीजन निकालने से अस्पताल में लगभग 22 मरीजों की मौत हो गई थी। घटना का वीडियो खूब वायरल है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया, अस्पताल को सील करने और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के आगरा से यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आगरा के पारस अस्पताल को एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें अस्पताल के प्रबंधक कहते नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए मॉक ड्रिल की गई, जिसके बाद 22 मरीजों की जान चली गई। देखिए ये वीडियो। जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है, एक ट्रायल मार दो, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोष मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए गए, 22 मरीज चढ़ गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल। ये वीडियो आपने देखा कि मॉकड्रिल के नाम पर 22 लोगों की जान चली गई। यही वायरल वीडियो हो रहा है जो हमने अभी आपको दिखाया है। धरती के भगवान कहे जाने वालों की संवेदनहीनता इस बात से पता चलती है कि 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कीजिए, जिसको जीना होगा वो जी जाएगा और जिसको मरना होगा वो मर जाएगा। अगर अस्पताल प्रबंधन का ऐसा रवैया है तो मरीज कितने सुरक्षित होंगे इस तरह के अस्पतालों में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इसी मामले को देखते हुए जांच का आदेश दे दिया गया है। उधर वायरल वीडियो पर पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन अब सफाई दे नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई है। इस मामले पर क्या कहना है वहां के जिलाधिकारी का, यह भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जनपद के इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई है। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहां दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट से वहां जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफी उनके पास बेड्स थी और काफी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आए कार्य की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान,
खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।